काफी सॉफ्ट हो गया है, हमारा तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, नव्या किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन हलीम। बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो गेहूँ, ये कुटा हुआ है हलीम का, ये स्पेशल होता है हलीम का कुटा हुआ गेहूँ। ये मैंने रात भर के लिए भिगोया था इसे, ये 15 से 20 लोगों के लिए बना रही हूँ मैं। इसके लिए मैंने ये लिए 1/2 किलो चने की दाल, और ये मिक्स दाल है, इसमें है उड़द की, मूंग की, मसूर की दाल, ये भी मैंने रात भर के लिए भिगो दी थी। ये 250 ग्राम है, ये फूल के इतनी हो गई है, और ये चने की दाल 1/2 किलो है। 100 ग्राम करीब मैंने चावल लिए हैं, ये भी मैंने रात भर के लिए भिगो दिए थे। इसके मसाले हैं ये 2 मीडियम साइज की प्याज जो मैंने बारीक पीस ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक 2 चम्मच, 2 चम्मच लाल मिर्च, 3 चम्मच हल्दी, इसमें हल्दी ज़्यादा पड़ती है जो कि इसका खूबसूरत कलर आया हलीम का, 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर, हरी मिर्चें 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। गार्निश के लिए मैंने लिए ये हरी मिर्चें, तड़के के लिए लिए मैंने प्याज, हरा धनिया गार्निश के लिए, गार्निश के लिए मैंने लिए ये अदरक, ये मैंने बारीक बारीक इस तरह से मैंने काट लिए ये, जो कि ये खूबसूरत भी लगे और खाने में भी अच्छी लगे। 4 से 5 मैंने लिए ये पत्ते, तेज पत्ता, खड़ा गर्म मसाला है ये, जो हमें फुल बन के तैयार हो जाएगा हमारा हलीम, उसके बाद हमें मिक्सर में पीस कर डालना है। इसमें मैंने लिए हैं 15 से 20 काली मिर्चें, 5 से 6 लौंगे, जायफल जावित्री, 1/2 चम्मच जीरा, बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, दालचीनी। आइए बनाना शुरू करते हैं। अब लेते हैं हम मटन का मसाला, ये अलग प्रेशर कुकर में सीटियां लगानी है हमें। इसके लिए मैंने लिया 1.5 किलो मटन, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 से 3 चम्मच मैंने पिसी हुई प्याज, नमक मैंने कम लिया है ये 1 चम्मच है, क्योंकि ये हलीम में भी डलेगा और इसमें भी, इसलिए मैंने थोड़ा कम डाला है। 1 चम्मच लिए मैंने लाल मिर्च, 2 चम्मच लिए मैंने धनिया, 1 चम्मच है हल्दी, हल्दी भी ज़्यादा डलेगी इसमें। आइए बनाना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने डाले हैं कुटे हुए गेहूँ, और इसमें डालेंगे 1 लीटर पानी, प्याज, अदरक लहसुन, नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी, धनिया, डालेंगे तेज पत्ता, चावल, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश करके रखा था पहले से ही, मिक्स दाल, इसमें डालते हैं 4 से 5 लीटर पानी, पानी इसमें ज़्यादा पड़ता है, काफ़ी देर तक पकता है ये। हाई फ्लेम पर 1/2 घंटे से लेके 45 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाना है इसे। इसे ढककर रखते हैं 45 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। जब तक हमारा हलीम तैयार हो रहा है, आइए मटन की तैयारी करते हैं। सबसे पहले कुकर में डालती हूँ मैं मटन, ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था इसे, प्याज का पेस्ट, लहसुन अदरक, इसके फुल मसाले मैंने मिक्स कर लिए थे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच फुल भरकर ऑयल, दो कप डालेंगे पानी, मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसे हाई फ्लेम पर 4 से 5 सीटियां लगानी है, फिर देखते हैं। ये मेरा खड़ा गरम मसाला था, इसे इसमें बारीक कर लेते हैं, आप चाहें तो मिक्सर में भी कर सकते हैं। ये बड़ी इलायची मैंने इस तरह से इसे खोल के इसके बीज निकाल दिए, क्योंकि ये इसमें पिसेगी नहीं, इसे इसके सारे बीज निकाल लेना है। आप चाहें तो इसे कोई चिकन में किसी में भी और डाल सकते हैं, इसे वेस्ट नहीं जाने देना।
यही हम छोटी इलायची का निकाल लेंगे, खोल लेते हैं इसे अच्छे से, इसके भी बीज निकाल लेना है। ये हमारा सारा खड़ा गरम मसाला आप इसमें डालिए और इसमें ही बारीक करिए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप मिक्सी में भी कर सकते हैं पर मिक्सी की इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है, इसकी इसकी आती है। इसमें टाइम भी नहीं लगता, बस बहुत जल्दी हो जाता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं। देखिए काफी अच्छे से ये होने लगा है, अभी थोड़ा सा और करना है हमें इसे। देखिए काफी अच्छे से हमारा बारीक हो चुका है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसमें ये गार्निश में डलेगा जब हम, काफी अच्छे से बारीक हो चुका है हमारे ये। 10-20 मिनट बाद के हमारे गेहूँ अच्छे से टेंडर हुए हैं। एक बार इसे चेक कर लेते हैं, अभी हल्का सा कर टाइट बना है इसमें, कर रहा है 15 से 20 मिनट के लिए और रखते हैं इसे लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे था पहले, अब इसको लो फ्लेम पे कर देते हैं क्योंकि हमारा इसका पानी जले नहीं और अच्छे से हमारा ये हो जाए। आइए देखते हैं इसे 2 से 3 सीटी के बाद कि हमारा ये मटन तैयार है या नहीं, मटन जल्दी गल जाता है ये। अब इसकी हाई फ्लेम पर हमें 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई कर लेनी है, जब तक इसका काफ़ी अच्छा ये मसाला जो सूख नहीं जाए। ये हमारा तैयार है मसाला, मटन हमारा तैयार है, अब इसको देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे से हमारा बन गया है। गेम है इसका जो भी हमारा खड़ा बने उससे सेट हो जाएगा। मैं लगातार कम से कम इसको 15 से 20 मिनट या फिर जब तक ये दाल और ये हलीम जो है इसका सेट नहीं हो जाता, घुटाई करनी है अच्छे से। जितनी इसकी अच्छे से घुटाई होगी उससे इतना ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। गैस कर देंगे हम ऑफ, ये हमारा तैयार है, बस इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसकी घुटाई कर देनी है। अच्छे से हमारा हलीम सेट हो गया जो इसमें पानी डाला था। अब हम इसका करेंगे तड़का तैयार, इसे कर देते हैं गैस ऑफ इसकी। देखिए हमारा हलीम सेट है, अब हम इसमें डालेंगे मटन मसाला जो हमने तैयार कराया था। इसमें डाल दिया मैंने मसाला, मटन मसाला, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें करेंगे, इसमें लगाएंगे हम तड़का। ये तड़के के लिए मैंने ऑयल ले लिया है, इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे से हमारा ऑयल गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे हम प्याज। देखिए भाई काफ़ी अच्छे से प्याज सेट हो गई है, फ्राई हो गई है। अब हम इसमें डालते हैं तड़का।